दोस्तों, मैं हूँ पुण्य। तो मेरे ख्याल से इस तरह की हरियाली आप लोगों को केवल असम में ही देखने के लिए मिलेगी। इसका कारण ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इतनी ज़्यादा बारिश होती है करके कि गार्डन को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बारिश के कारण कोई भी काम गार्डन का आगे नहीं बढ़ पाता, बस वैसे का वैसे ही रह जाता है। ना ही टाइमली वीडियो कोई मैं शूट कर पाती हूँ। यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश होने के कारण गार्डन की साफ़ सफाई में भी बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। यहाँ पर ये जो मिडिल एरिया के ग्रासेस हैं, इनको भी कट करना बाकी है। अगर आज मैं इनको कट करूँगी तो 1 वीक के अंदर ही फिर से तेज़ी से ये बढ़ जाएंगे। पर जिस दिन धूप निकलती है, गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाता। मगर आज का जो वेदर है बहुत ही ज़्यादा सुहावना है। धूप बिल्कुल भी नहीं है और बारिश भी नहीं आ रही है। तो आज मैं सोच रही हूँ करके कि अपने गार्डन में जितने भी खिल रहे फ्लावर्स हैं उनको आप लोग के सामने रखूँ। अभी सुबह का वक्त है। मेरी जो छोटी बेटी है अभी क्लास 11th में पहुँची है। अभी वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये मेरा ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट है जिसको मैंने लास्ट ईयर लगाया था। ये बिल्कुल ही स्टेयर्स के साइड में थोड़ी सी ज़मीन पे ही मैंने इसको ग्रो किया हुआ है। लास्ट ईयर भी बहुत ही अच्छे इसमें ब्लूमिंग आई थी। इसको मैंने बेल की तरह ऊपर चढ़ा रखा है। आप चाहें तो इसको कट करके बुशी शेप भी दे सकते हैं। ये डायरेक्ट सनलाइट में अगर इसको रखेंगे तो इसकी लीफ जलने स्टार्ट हो जाएगी। जहाँ पर मैंने इसको ग्रो किया हुआ है यहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, बल्कि ब्राइट लाइट इसको अच्छी मिलती है। अब देखिए, ये मेरा थनबर्जिया का प्लांट है। इसको भी मैं लास्ट ईयर ही नर्सरी से परचेस किया था। बहुत ही छोटा था, अब देखिए कितना बड़ा हो चुका है। चारों तरफ से इसमें फ्लावर्स ही फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं। समर का बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, फ्लावर प्लांट है जो फुल सनलाइट में ये ग्रो होता है। मेरा ये तो यहीं पे रहता है, यहाँ पे बहुत अच्छी इसकी धूप मिलती है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये छोटी वैरायटी वाले सनफ्लावर के प्लांट है जिसको मैंने सर्दियों में अक्टूबर के मंथ में ग्रो किया था। पूरी सर्दी इसमें ब्लूम हुई थी। अभी देखिए, अभी भी इनमें ब्लूमिंग नहीं रुकी हुई है। अभी तो ये पूरे समर इनमें ऐसे ही फ्लावर्स आते रहेंगे। मैं तो बहुत हैरान हूँ, इतनी ज़्यादा इसमें कलियाँ अभी भी बन रही है। कुछ को तो मैंने सीड बनने के लिए रख दिया है। इसी से मैंने बहुत सारे फिर से न्यू बेबी प्लांट रेडी कर चुकी हूँ जिनको मैं अभी ज़मीन में ग्रो करूँगी कुछ ही दिनों में। लगातार इनमें सर्दियों से लेकर समर तक फ्लावर्स ही फ्लावर्स इनमें ब्लूम हो रहे हैं। मुझे तो बहुत ही सुंदर प्लांट लगा है। सर्दियों में भी ब्लूम करता है, इवन गर्मियों में भी ज़बरदस्त फ्लावर आते हैं, फुल सनलाइट में ग्रो होता है। और ये जो डहेलिया का प्लांट है जो विंटर में इनकी अच्छी ग्रोइंग्स होती है, फ्लावर्स भी उनमें भर भर के विंटर में आते हैं, मगर इवन मेरे समर में भी देखिए फ्लावर्स आ रहे हैं। साइज़ भी बहुत ही अच्छी हो रही है। ये सारे जो ये डहेलिया के प्लांट है मेरे गमले में लगे हुए हैं। मैंने इनको अभी नहीं हटाया है क्योंकि इसमें अभी भी बहुत सुंदर सुंदर हेल्दी बड्स बन रहे हैं। मैं सोच रही हूँ जब तक ये चलेंगे बाद में ये जब प्लांट थोड़ा सा ख़राब होने लगेगा मैं इनको उखाड़ के ज़मीन में लगा दूँगी। नेक्स्ट ईयर फिर से इनकी कटिंग्स मैं ग्रो करूँगी। ये भी देखिए, कार्नेशन का फ्लावर प्लांट जो सर्दियों में बहुत अच्छी इसकी ब्लूमिंग होती है। अभी समर स्टार्ट हो चुके हैं। अभी देखिए मेरे इनमें अभी भी बहुत सुंदर सुंदर हेल्दी बड्स बन रहे हैं। इसका मतलब है अभी भी इनकी ब्लूमिंग काफ़ी दिनों तक चलेगी। ये भी हमारा ये पर्मानेंट प्लांट है, खासकर विंटर में इसकी ब्लूमिंग बहुत अच्छी होती है। मेरे यहाँ पर तो समर में भी ब्लूमिंग हो रही है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी है। और ये भी देखिए, वर्बीना का जो प्लांट है इसको मैंने बास्केट में ग्रो किया है। बहुत सारे वैरायटीज़ जो कि सर्दियों का प्लांट है, अभी भी गर्मियों में इनमें बहुत सुंदर सुंदर बड्स बन रहे हैं, इसलिए मैंने इसको नहीं हटाया है। मेरे जितने भी डेंटिस के फ्लावर प्लांट है जिनको मैंने सर्दियों में स्पेशली ग्रो किया था, अभी भी इनमें फ्लावर्स आ रहे हैं। फ्लावर्स आने बिल्कुल भी बंद नहीं हुए हैं, इसीलिए इनको अभी मैंने थोड़ा सा शेमी शेड एरिया में इनको लोकेट कर दिया है ताकि और लंबे समय तक इनमें फ्लावर्स मेरे गार्डन में बने रहे। और यहाँ पर देखिए, ये एक्सोरा का फ्लावर प्लांट है जो मैंने गमले में लगा के रखा हुआ है। बहुत ही बड़ा हो चुका है, बहुत सारे इनमें बड्स बन रहे हैं।
अभी इनमें ब्लूमिंग स्टार्ट हुई है, अच्छे से ब्लूम्स नहीं आई हैं, फिर भी देखिए सभी ब्रांचेस में कितने सारे हेल्दी बर्ड्स आप लोग को नज़र आ रहे हैं। ये भी फुल सनलाइट में ग्रो होता है। और यूफोर्बे मिली के प्लांट को देखिए, ये येलो कलर के है, इसमें भी बहुत अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं। जो रेड वाले हैं उनमें अभी फ्लावर्स आने बंद हो चुके हैं, मगर येलो वाले में अभी भी ब्लूमिंग कंटिन्यूस चल रही है। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट है। यहाँ पर ये देखिए, बड़े से बास्केट में जितने भी टिरोनिया के फ्लावर्स आप लोगों को दिख रहे हैं, ये सारे मेरे फ्री के बने हुए हैं। हर साल मैं इनको ग्रो करती हूँ। इस बड़े से बास्केट में मैंने 3 कलर्स के टिरोनिया के प्लांट्स ग्रो किए हैं। अभी तो इनकी शुरुआत है, धीरे धीरे पूरा बास्केट बहुत ही सुंदर ब्लूमिंग इनमें भर चुकी होंगी। सारे मेरे अपने ही सीड से जो नीचे गिर जाते हैं, वहीं से मैंने इनको लगाए हुए हैं। जीनिया के ये प्लांट देखिए, इनमें भी अभी ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। जो विंटर के थे वो तो ख़राब हो चुके थे, फिर मैंने फिर से जीनिया के जो प्लांट है इनको मैंने गर्मियों के लिए लगा दिए हैं। वैसे विंटर में ब्लूम करने वाला ये जो स्नैपड्रैगन के प्लांट है, मेरे यहाँ पर गर्मियों में भी अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। अभी भी बहुत सुंदर इनमें बर्ड्स आ रहे हैं, इसलिए मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं हटाया। आप लोगों ने ये छोटे छोटे ये जो येलो कलर की ब्लूमिंग देख रहे हैं, स्पेशली इस फ्लावर को आप लोगों ने मेरे गार्डन में हर साल देखा होगा। इवन ये विंटर में भी इनकी ब्लूमिंग चलती है, फुल सनलाइट में ग्रो होता है, जिनको मेलोपोडियम के नाम से जाना जाता है। इवन इनको बटर डेजी भी कह सकते हैं। पूरे साल भर ऐसे ही इनकी कंटिन्यूस फ्लावरिंग होती रहती है। मेरे गार्डन में अलग अलग कलर के विंका के फ्लावर की ब्लूमिंग चल रही है, मगर उनको अपने वीडियो में कैप्चर करना भूल गई। और यहाँ पर देखिए वाइट मसंडा के फ्लावर प्लांट, बहुत ही सुंदर इनकी ब्लूमिंग चल रही है मेरे गार्डन में। लास्ट ईयर इसके मैं प्लांट लाई थी, अभी ये प्लांट बहुत ही बड़ा हो चुका है। फुल सनलाइट की इसको ज़रूरत होती है, काफ़ी लंबे समय तक इनमें पूरे समर में इनकी ब्लूमिंग चलती रहती है। घना बनाने के लिए आप इनके ब्रांचेस को कट करते रहिए। साथ में मैंने कुछ फ्लावर प्लांट गॉम्फेरिना की भी लगाई है, ये छोटी वैरायटी वाले हैं, अभी इनमें एक एक करके ब्लूमिंग हो रही है। और मोगरा के प्लांट में भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। पास में खड़ी हूँ तो बहुत अच्छी खुशबू भी मुझे मिल रही है। हमारे ये परमानेंट प्लांट है। और दोस्तों, मैंने अक्टूबर में इम्पेशन की बहुत सारी कटिंग्स ग्राउंड में लगाया था, अभी भी देखिए स्टिल गर्मियों में भी इनमें बहुत अच्छे फ्लावर्स इनमें आ रहे हैं, इसलिए मैंने इनको ग्राउंड से बिल्कुल भी नहीं हटाया। मैंने बहुत सारे ये पर्सलिन की कटिंग्स भी ग्रो कर लिया है, जिनमें अभी धीरे धीरे ब्लूम्स आने स्टार्ट हो गई है। अभी दोस्तों मेरे गार्डन में पर्सलिन की ब्लूमिंग की जस्ट शुरुआत हो रही है। कुछ ही दिनों में ये सारा एरिया जब फूलों से भर जाएगा, तब तो मेरे गार्डन का जो लुक है बहुत सुंदर लगेगा। मैंने बहुत सारी कटिंग्स अपने ग्राउंड एरिया में भी लगाई है इस बार। देखिए इनमें भी धीरे धीरे ब्लूम स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा घना हो गया है क्योंकि मैंने ऊपर की टिप्स को बहुत बार इनको पिंच किया था। और यहाँ पर देखिए मेरे गार्डन का सबसे अट्रैक्टिव फ्लावर, हाइड्रेंजिया के फ्लावर प्लांट, जो हर साल मेरे गार्डन में इनकी ब्लूमिंग होती है। इस बार इनकी ब्लूमिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हुई है। ये मेरे अभी 4 साल से ऐसे ही कंटिन्यूस बने हुए हैं। मैं इनकी कटिंग लगा लगा कर बहुत सारे इनके प्लांट्स न्यू रेडी करती रहती हूँ। मैंने इनके बहुत सारे कटिंग्स ग्राउंड एरिया में भी लगाए हुए हैं। जेरेनियम में भी अभी भी इनकी ब्लूमिंग चल रही है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए पिंक कलर के टिकोमा का प्लांट, जो एक वाइन की तरह, बेल की तरह इसको हम ऊपर भी चढ़ा सकते हैं, इनमें ज़बरदस्त ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। ग्राउंड में लगे हुए अजेलिया का जो प्लांट है, इसमें भी एक एक करके अभी भी ब्लूमिंग हो रही है, बहुत सुंदर ये दिखते हैं। जो टॉल हाइट के ये वाइट कलर के चांदनी का प्लांट है, देखिए ये भी ग्राउंड में लगा हुआ है, कितने सुंदर दिख रहे हैं। अभी भी इनमें ज़बरदस्त ब्लूमिंग होने बाकी है, बहुत सुंदर दिखते हैं अगर हम इनको ग्राउंड में स्पेशली लगाते हैं। साइड में ये जो देख रहे हैं येलो कलर के फ्लावर्स, ये पेपर फ्लावर है, जो सर्दियों में इनकी ज़बरदस्त ब्लूमिंग होती है, मगर अभी भी मेरे गार्डन में इनकी ब्लूमिंग चल रही है, इसलिए मैं इनको हटा भी नहीं पा रही हूँ। और ये जो बालसम के फ्लावर प्लांट है, और ये है डबल पेटल वाले, बिल्कुल ही एक रोज़ की तरह दिखते हैं।
इसको देखिए कितनी सुंदर इनमें ब्लूमिंग चल रही है। एक ही प्लांट था, इससे मैंने बहुत सारे प्लांट बना लिए हैं, सीड से नहीं बल्कि मैंने इनकी कटिंग ग्रो करके और भी मैंने 4-5 प्लांट रेडी कर लिए हैं। इस बार दोस्तों समर गार्डन में मैंने न्यू वैरायटी के अल्टरनेंट्रा के प्लांट को मैंने ग्रो किया है। नर्सरी से इसकी छोटी सी पौधे को लाई थी, अब देखिए ये कितना बड़ा हो चुका है, मतलब घना हो चुका है, पूरा प्लांटर भर चुका है। और यहाँ पर वॉल साइड में मैंने कैना लिली के प्लांट को भी ग्रो किया है, जो राइजोम से ये ग्रो होते हैं। अभी तो दो कलर ही आए हैं, येलो कलर वाले जो कैना लिली के प्लांट को अभी ब्लूमिंग होना बाकी है। मेरे गार्डन में समर में इस बार पहली बार जो मैंने ये बेबी सनरोज के प्लांट को ग्रो किया है, इसमें भी अभी छोटी छोटी ब्लूम्स मुझे दिखाई दे रही है। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि ये प्लांट मेरे गार्डन में फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है। और ये देखिए ज़मीन में ग्रो किया हुआ ये है एलामेंडा का फ्लावर प्लांट। ये एक बेल की तरह ऊपर चढ़ता है, जिसको मैंने वॉल साइड में ग्रो किया हुआ है। सारा प्लांट को मैंने बाहर की तरफ मैंने इस तरह से बेंड कर दिया है, ताकि गार्डन के अंदर ज़्यादा डिस्टर्ब ना दे। इसको मैंने बाहर की साइड ही, इसको सारा, इसके जितनी भी वाइंस है इसको मैंने बाहर की साइड ही निकाल दिया है। और ये देखिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल हैज है, जिसको हैदर के नाम से जाना जाता है। पूरे साल भर इनमें इसी तरह ब्लूम्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। बेगोनिया की जो फ्लावर्स है, देखिए ये वाले जो वैरायटी है इसमें भी ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। इसके फ्लावर्स नीचे की तरफ ही लटकती रहती है। ग्राउंड में इस बार मैंने बहुत सारे जो देसी वैरायटी के जीनिया के फ्लावर प्लांट हैं, इनको मैंने ग्रो किया है। अभी इनकी शुरुआत है, कुछ ही दिनों में ये पूरा एरिया जीनिया के फ्लावर प्लांट से फ्लावर से भर जाएगा। साथ ही मैंने बहुत सारे येलो एंड ऑरेंज कॉस्मोस के प्लांट भी ग्रो किए हुए, सारे फ्री के हैं। और ये देखिए यस्टरडे टुडे एंड टुमारो का फ्लावर प्लांट जो ज़मीन में ग्रो किया हुआ है, इसमें भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। तो फिलहाल अभी मेरे गार्डन में इन्हीं फ्लावर प्लांट की ब्लूमिंग चल रही है। आप लोगों को मेरे गार्डन के फ्लावर्स कैसे लगे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना। तब तक के लिए अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।